तो शिक्षा के अधिकार को लेकर शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने आरोप लगाए हैं और कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा के अधिकार के तहत राज्य को 3 साल से पैसा नहीं दे रही है, जिससे पढ़ाई में बच्चों को सिर्फ राज्य सरकार ही सुविधा दे रही है। मंत्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% पढ़ाई के लिए देती है, मगर केंद्र सरकार पढ़ाई के लिए 3 साल से भुगतान नहीं कर रही है, आखिर क्यों? आज हर ओर शिक्षा में गुणवत्ता की बातें हो रही हैं, शिक्षा में गुणवत्ता लाने की जरूरत बताया जा रहा है, लेकिन वहीं जब पैसे की बात आती है तो केंद्र सरकार कैसे अपने हाथ खींच लेता है, इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ से देखा जाएगा। आज हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि केंद्र से कब कब तक कब भुगतान नहीं हुआ है। मंत्री जी, ये केंद्र से लगातार भुगतान अटका हुआ है, कितना भुगतान बाकी है, कौन कौन से साल का भुगतान नहीं हुआ है? केंद्र से जो जो शिक्षा के संबंध में जो रेशियो रहता है, भारत सरकार से 60% और राज्य सरकार का अंश जो रहता है उसमें राज्यांश, वो 40% रहता है। तो पीएबी की जो मीटिंग होती है सभी विभागों का, सभी विषयों का, वहाँ पर वो उसमें तो अप्रूव कर देते हैं, सैंक्शन करते हैं, लेकिन पैसा वहाँ से मिलता नहीं है। और बार बार लगातार यहाँ से प्रयास किया जा रहा है कि जैसे पैसे आए तो आरटीई में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनका फीस का भुगतान चूंकि होना रहता है और पैसा भारत सरकार से नहीं मिल पाती है, अप्रूवल होने के बाद भी, स्वीकृति होने के बाद भी, तो दिक्कत होती है। और फिर हम लोग जो राज्यांश होता है स्टेट का 40%, उसी से हम लोग भुगतान करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आपका 2018-19 में मांग की गई थी 295 करोड़ की और मिला हमको 140 करोड़। 2019-20 में 169.80 करोड़ की मांग की गई थी, लेकिन मिला उसमें केवल मात्र 49.49 करोड़। तो इस प्रकार से जो वहाँ से जो रवैया रहता है, क्योंकि शिक्षा सबके लिए अनिवार्य किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से पैसे का कटौती होता है या भुगतान देने में विलम्ब होता है, तो इसका भुगतान फिर राज्य सरकार को करना पड़ता है। सर, ये शिकायतें मिलती है भुगतान नहीं हो रही है तो कैसे बच्चे को पढ़ाएं, और क्या दिक्कतें आती है भुगतान नहीं होने पे? नहीं, लगातार जो निजी संस्थाएं हैं जहाँ पे हमारे बच्चे आरटी में पढ़ते हैं, उनका फीस का और लगातार मांग आती भी कि हमारे फीस का भुगतान नहीं हो पा रहा है, हमको दिक्कत हो रही है वहाँ पर आने में। हम यही करते कि जो केंद्र से जो हमको राशि मिलनी चाहिए थी उतना मिला नहीं, राज्यांश के जो हमारे पास जो बजट में जो प्रावधान है उसका भुगतान करते हैं। राज्य का जो पैसा है उसको ही मिलाकर भुगतान किया जा रहा है, इसीलिए 4-5 जो जितने सालों का जो फिर लटका हुआ है, जो उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसका कारण यही है। तो इस तरह देखा जा सकता है कि जितना निर्धारित रकम है उसका अगर भुगतान नहीं हो रहा है तो गुणवत्ता कैसे आएगी, तो ये बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार को इसमें जल्द जल्द फैसला लेने की जरूरत है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्यराज कुश, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। कोरोना के संकट